अंगूरों को इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। अंगूर कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली 3 तरह के अंगूर आपको बाजार में देखने को मिलते हैं, लाल अंगूर, हरा अंगूर और काला अंगूर। अंगूर खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, इसके साथ साथ ये पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, ग्लूकोज, फाइबर, कैलोरी, साइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, और ये सभी पोषक तत्व हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अंगूर में रेस्वेराट्रोल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि SIRT नामक जीन को एक्टिवेट करता है, और ये जीन हमारे शरीर में लॉन्ग लाइफ के लिए जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, अंगूर खाने से हमारा ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। अंगूर में जो रेस्वेराट्रोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सीधे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके हमारे ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन सेल्स को एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही अंगूर में पाए जाने वाले पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स और रेस्वेराट्रोल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके अल्जाइमर की समस्या को रोक सकते हैं। अंगूर में मौजूद विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। अंगूर में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और रेस्वेराट्रोल ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। रेस्वेराट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अंगूर हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। रेस्वेराट्रोल सूरज की हानिकारक किरणों से हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। अंगूर हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अंगूर हमारी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने और उनकी मजबूती के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अंगूर का सेवन करने से माइग्रेन की समस्या से भी राहत पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि माइग्रेन के दर्द को कम करने में हेल्प करती हैं। चलिए अब अंगूर की तासीर जान लेते हैं। अगर अंगूर स्वाद में खट्टा है और पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, तो इसकी तासीर गर्म होती है। अगर अंगूर पूरी तरह से पका हुआ है और स्वाद में मीठा है, तो इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर अंगूर पूरी तरह से पका हुआ है और मीठा है, तो आयुर्वेद के अनुसार इसे वात और पित्त को संतुलित करने वाला माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक दिन में कितने अंगूरों का सेवन करना चाहिए। एक दिन में 1 से 1.5 कप अंगूरों का सेवन करना पर्याप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।